केशवलाल, आपको यहाँ बुलाने का प्रयोजन मालूम है? जी नहीं, लेकिन कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ तो अनुमान लगा सकता हूँ कि कुछ विधि विधान या कर्मकांड कराने के बारे में याद किया गया होगा। कर्मकांड कराने हेतु नहीं, बल्कि उसे न करने के उद्देश्य से आपको यहाँ बुलाया गया है। चतुर भाई, मैं कुछ समझा नहीं। केशवलाल, हमने सुना है कि आप शास्त्री यज्ञ पुरुष दास द्वारा बनाए गए बोचासन के अक्षर पुरुषोत्तम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए जाने वाले हैं। क्या ये बात सच है? जी, आपने शत प्रतिशत सत्य सुना है। केशवलाल, ये कैसे हो सकता है? देखिए, आप इस संस्थान के मुख्य पुरोहित हैं। हमारी संस्था में जो भी प्राण प्रतिष्ठाएं होती हैं, यज्ञ आदि आयोजित होते हैं और अन्य जो भी छोटी बड़ी वैदिक विधियां होती रहती हैं, उसके लिए आपको अधिकृत रूप से नियुक्त किया गया है। उसके लिए मैं संस्थान के कार्यवाहकों का कृतज्ञ हूँ जश भाई। तो अब बोचासन में प्रतिष्ठा कराकर कृतघ्न नमक हराम क्यों बन रहे हो? आपको पता है ना कि यज्ञ पुरुष दास को निष्कासित किया गया है। पुरुषोत्तम दास, अविवेक के लिए क्षमा चाहता हूँ, किंतु मैं शास्त्री जी महाराज को विमुख नहीं समझता हूँ, क्योंकि वे भगवान स्वामी नारायण की सभी आज्ञाओं का पालन करते हैं, भगवान स्वामी नारायण की ही भक्ति करते हैं, उनके ही वचनामृत पढ़ते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि यह संस्थान से बाहर निकले हुए उनको साल भर बीत गया है। इस अंतराल में मैं उनसे कई बार मिला हूँ, मगर अब तक हमारी संस्थान और संस्था के व्यवस्था तंत्र के विरुद्ध एक शब्द भी उनके मुख से मैंने नहीं सुना है। तब तो अब आपकी नसों में भी शास्त्री का जहर घुल गया लगता है। चतुर भाई, आप छोटे मुंह बड़ी बात मत कीजिए। केशवलाल, तो आप भी अपनी औकात को पहचान कर बात करें। आप किसी भी प्रकार से बोचासन मंदिर की प्रतिष्ठा में नहीं जा सकेंगे। अरे, वफादारी के बारे में कुछ समझते हो या नहीं? मोती भाई, भगवान स्वामी नारायण की प्रतिष्ठा कराने के लिए भगवान स्वामी नारायण का ही भक्त जाए, उसमें मेरी वफादारी पर कौन सा घाव लगता है? केशवलाल, आप जैसे पुरोहित के मुंह से मंत्रोच्चार ही अच्छे लगते हैं, ऐसी बहस नहीं, समझे? संस्थान के सत्ताधीशों के सामने विद्रोह करने का नतीजा जानते हैं? मैं जो भी कदम उठाने जा रहा हूँ, उसमें मुझे किसी विद्रोह की दुर्गंध नहीं आती, अभी तो मैं सेवा की सुवास का अनुभव कर रहा हूँ। ए केशवलाल, जिसका दूध पीकर बड़े खड़े हुए हो, उस मातृ संस्था को चेह देने की कोशिश मत करो, वरना वरना क्या होगा? तुम्हें भी यज्ञ पुरुष दास की तरह बहिष्कृत कर दिया जाएगा। और इस बहिष्कार का मतलब ये होगा कि आप इस संस्थान के मान्य भूदेव के पद से पदभ्रष्ट हो जाएंगे, और पदभ्रष्ट होते ही आपका वर्षासन बंद हो जाएगा, और इस पदच्युति से संस्थान से जुड़ा हुआ कोई भी हरि भक्त आपको विधि विधान के लिए नहीं बुलाएगा। दया प्रभु की, आलेख करते करते भटक भटक कर मर जाओगे केशवलाल। अब भी वक्त है, सोच लीजिए। अरे, उस शास्त्री से क्या मिलेगा आपको? हा? उसके पास कितना भक्त समुदाय है, और इधर हमारे संस्थान के भक्तों की संख्या देखो। इस शास्त्री को खाने के दाने भी नसीब नहीं होते हैं, ये आपको खाने के लिए क्या देंगे? वो कितने मंदिर बनवाएंगे? और यहाँ देखो, एक के बाद एक आपके विधि विधान चालू रहते हैं कि नहीं? इसीलिए कहते हैं कि जान कर भी अनजाना क्यों बन रहा है दीवाना। चतुर भाई, मैं सोच समझ कर ही बोचासन की प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए तैयार हुआ हूँ। आप मुझे बहिष्कृत और पद भ्रष्ट करें, उससे पहले मैं ही पद त्याग कर देता हूँ। मैं शास्त्री जी महाराज को समर्पित हो चुका हूँ। मैं शास्त्री जी महाराज का था, शास्त्री जी महाराज का हूँ, और शास्त्री जी महाराज का ही रहूंगा। उनके चरणों में मेरा जीवन न्यौछावर करने से जो भी कठिनाइयां आएंगी, उसे मैं गले लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं एक पवित्र ब्राह्मण कुल का सपूत हूँ, समय आने पर भिक्षा मांग कर भी पेट भर लूंगा, परंतु शास्त्री जी महाराज को नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। जय स्वामी नारायण।